शहीदों का सम्मान होना चाहिए, सियासत नहीं। लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव की बात करें या सैम पित्रोदा के, लगातार सबूत मांग रहे हैं, लाशें मांग रहे हैं और जांच की बात भी कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे बात करने के लिए। सर, जिस तरीके से सैम पित्रोदा ने कहा कि 300 लोग मारे गए तो सबूत क्यों नहीं दे रहे, और इससे बढ़कर रामगोपाल यादव ने तो जांच तक की बात कर दी। इस सैम पित्रोदा को जवाब देने की क्या जरूरत है, आप बताइए कौन सा वो महत्व का विषय यानी व्यक्ति है जो मुझे जवाब देना है? सरकार से जवाब मांगते हैं। नहीं, वो कोई भी मांग सकता सड़क में आकर। मैं ये कहता हूँ कि उसकी प्रतिष्ठा क्या, मोराल तो डाउन होता है ना, और राजनीति भी डाउन होती है, लेवल भी डाउन होता है। वो तो तुम्हारी में मोराल डाउन हुआ है कि तुमने उसको दिखाया। मैं पूछता हूँ कि उसकी कौन सी ऐसी हैसियत है जिसके लिए मुझे जवाब देना होगा? आपको पता है उसकी भूमिका? वो अमेरिकन सिटीजन है, ये नहीं पता। दूसरा, आपको पता है कि वो नेशनल हेराल्ड में बेल पर है, ये पता है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? और रामगोपाल यादव, वो कौन है मुझे जानता भी नहीं हूँ। ये तुम्हारे चैनल को तो यही है कि आपको समय भरना है तो किसी को भी पकड़ो और किसी की भी देशद्रोही बयान लेकर फिर प्रतिक्रिया लो। मैं कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूँ जिसको मैंने बेल में खड़ा किया, जेल जाता था यदि मैं विरोध करता, और अमेरिका का सिटीजन है, तो उसको उसके लिए मैं क्यों? जनता सर कैसे गठबंधन को वोट देंगी जो ये कह रहे हो कि अगर हम सरकार में आएंगे तो पुलवामा की जांच? वो तो कांग्रेस से पूछना चाहिए, मुझे क्यों पूछे? कांग्रेस तो ये कह रही है कि लाल कृष्ण अडवाणी जी का सम्मान नहीं हुआ, वो तो इस बात पे रिएक्ट कर। कांग्रेस की हर बात पर मैं नहीं रिएक्ट कर सकता। कोई महत्व कुछ बात होगी, कोई पार्लियामेंट का मेंबर कुछ कहते होना चाहिए, कोई भी किसी को भी पकड़ के कह दो कि उसकी उसने ये कहा, आपको क्या कहना है? मैं नहीं कह सकता। सर, अगर अमेठी की बात करें तो इस बार लगता है कि पिछली बार 1 लाख का अंतर था, इस बार स्मृति ईरानी विजयी होंगी, क्योंकि पिछली बार गठबंधन के दलों ने साथ दिया था, सपा बसपा के कार्यकर्ता साथ में आए थे, और इस बार जो चंद्रशेखर से मुलाकात हुई है, ऐसा लगता नहीं कि बसपा और मायावती साथ देंगे? हमारी जो उम्मीदवार है स्मृति, वो बहुत सुंदर भाषण देती है, और उसका मैं समझता हूँ कि इस बार अकेला कि कोई भी खड़े हों जीतेंगे, स्मृति जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा। तो लगता है सर कि इस जीत के पीछे वजह यह भी होगी कि पिछली बार समाजवादी पार्टी की राज्य में सरकार थी, प्रशासन उनका था, और पिछली बार सपा बसपा के कार्यकर्ता निकल के आए थे, जो आसान हुए बात वो तो अलग बात है, बट स्मृति भी 5 साल मिनिस्टर रही है, उसने अच्छा काम किया है, उसके कार्यकर्ता जोश में है, ये सारी चीज़ों को पहली बार आई थी, नया क्षेत्र था, वो क्षेत्र में 5 साल जाते रही, तो इस बार तो जीतना निश्चित है उसका। सर, एक अंतिम सवाल, मायावती ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, और पिछाड़वी की तरह से चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या चुनाव न लड़ना है, इसके पीछे ये वजह है कि अपनी हार से डर रही है, या 1995 को याद करते हुए राहुल गांधी के लिए चुनौती खड़ी कर? नहीं नहीं, ये देखिए, आप मुझसे जवाब पूछें तो कह दीजिए महादेव मायावती ने ऐसा क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया, मैं कहूँगा वो तो कहीं भी जीत सकती है, वो बहुत उसकी बहुत मान्यता है और बहुत साहसी नेता हैं, और इसीलिए उन्हीं लड़ रही है तो इसका नहीं, ये कारण नहीं, कभी नहीं हो सकता। नहीं सर, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि 1995 में मैं नहीं लड़ी थी लेकिन मैं मुख्यमंत्री बनी थी, तो राहुल गांधी के लिए खतरा है? नहीं नहीं, राहुल गांधी के साथ क्या खतरा है, वो तो खुद खतरा है, मैं उसके लिए, वो तो आज राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर के लिए दावेदार है मायावती, तो इसीलिए राहुल गांधी से उसका तुलना मत करिए। न्यूज नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, राहुल गांधी की तुलना मायावती से हो नहीं सकती, मायावती दावेदार है और मायावती कहीं से भी चुनाव लड़कर जीत सकती है, और जहां तक बात है पुलवामा को लेकर बयान देने वाले नेताओं को, तो साफ तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मीडिया को उन्हें तवज्जो नहीं देनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ राहुल लवास, न्यूज नेशन, दिल्ली।